वीतराग परमात्मा पार्श्वनाथ को नमन। अनंत शक्ति की स्रोत परम पूज्य गुरुदेव श्री महाश्रमण जी को नमन। समुपस्थित भाइयों और बहनों, कल्याण मंदिर स्तोत्र आज 18वां श्लोक। त्वामेव वीततमसं पर्वादिनोऽपि नूनं विभो हरिहरा दधिया हरिहरादि धियाप प्रपन्नाः किं काच कामली भीरीश शीतोपि शंखो न ग्रीयते विविधवर्ण विपर्ययेन। हे प्रभु, निश्चय रूप से अन्य तीर्थिक लोग भी हरि हर आदि की बुद्धि से आपको वीतराग स्वरूप वाला स्वीकार करते हैं। क्या काच कामल रोग यानी पीलिए का रोगी, जोंडिस का रोगी, सफेद वर्ण वाले शंख को क्या विभिन्न रंग वाला नीला पीला आदि ग्रहण नहीं करता? अर्थात करता ही है। तो विपर्य बुद्धि कितनी घातक है, जो है वो नहीं दिखाई देता और जो नहीं है वह दिखाई देने लग जाता है। तो ये पीलिए के रोगी की पहचान है, या हम देखें कि पीलिए का रोगी या मिथ्यात्व का रोगी। अध्यात्म की दशा में जो व्यक्ति किसी भी की पूजा करे, आप जानते हैं गांधी जी ने एक गीत लिखा था, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। तो ये ईश्वर अल्लाह किसका नाम है? परमात्मा का नाम है। और गांधी जी ने प्रयोग किया, गांधी जी के साथ दोनों ही प्रकार के लोग रहते थे और उनकी दृष्टि में न ईश्वर अलग है, न अल्लाह अलग है, न राम अलग है, न अरहत अलग है। जो जो प्योरिटी की स्टेट पर पहुंच गए वे सारे ही वो उनके लिए परमात्मा भाव है। और वास्तव में हम देखें तो ये जो झगड़े की जड़ है, आजकल हम बहुत बार देखते हैं कि किसी ने उसके गुरु को या उसके भगवान को ये कह दिया, तो किसी ने उसके भगवान को ये कह दिया, किसी ने इसका सर काट दिया, कभी किसी ने उसका सर काट दिया। एक बार भगवान बुद्ध विराजमान थे और भगवान बुद्ध के पास एक डाकू हत्यारा आया और कहने लगा कि प्रभु, मैंने बहुत हत्याएं की है, मैं क्या करूं? भगवान बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें समाधान दूंगा। और सामने एक पेड़ था, हरा भरा पेड़। भगवान बुद्ध ने कहा, क्या तुम उसकी 5-10 पत्तियां मुझे दे सकते हो? वह उठा और उसने कहा, अभी दे दूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तुरंत एक बड़ी सी टहनी तोड़कर लाया
और उसकी पत्तियां निकालकर बुद्ध को दे दी। 5-10 मिनट हुए, बुद्ध ने कहा, वत्स, ये काम तो तुमने बड़े बखूबी कर दिया, अब एक और काम है। कि बोलो क्या काम है? कि ये जो पत्तियां तू तोड़ के लाया था, इन पत्तियों को वापस पेड़ पर वैसे ही लगा दे। वह हक्का पक्का हो गया और उसने कहा, प्रभु, तोड़ना सरल है, जोड़ना कठिन है। मैं पत्तियों को तोड़ सकता हूं, और यही बात मैं आपको कहना चाहता हूं। मैंने कितने लोगों की गर्दन से धड़, धड़ से गर्दन अलग कर दिए, और आज मैं उस दृश्य को अपने दिमाग में भी देखता हूं तो सन्न रह जाता हूं। कहते हैं गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम तोड़ सकते हो, जोड़ नहीं सकते, तो किसी को तोड़ो मत, क्योंकि जोड़ना तुम्हारे हाथ नहीं है। किसी को बी हेडेड कर देना, व्यक्ति अपनी ताकत दिखा सकता है कि मैं तो कर सकता हूं, लेकिन किसी को बी हेडेड किए हुए को वापस हेड कर देना, यानी उसके हेड को जोड़ देना, यह किसी की ताकत नहीं है। इसलिए बहुत अपेक्षित है कि हम ऐसा कोई भी काम ना करें। और स्तुति कारणे वीत तमसम, वीत राग का एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया कि वीत तमसम, वीत राग कौन हो सकता है जिसका अंधकार नष्ट हो गया है, जो अभेद का प्रवर्तक हो गया है, जो भेद बांटने वाला नहीं है, जो संजोने वाला है, जोड़ने वाला है। और इसी संदर्भ में एक घटनाक्रम आता है, वीतराग स्तोत्र जिसको आचार्य हेमचंद्र ने लिखा, और कहा जाता है कि हेमचंद्र आचार्य जैन आचार्य थे और राजा कुमार पाल उनके बड़े भक्त थे, परम अर्हत कुमार पाल। तो कुमार पाल एक बार तीर्थ यात्रा को जा रहे थे सोमनाथ के महामंदिर, यानी शिव मंदिर में जा रहे थे, महादेव को नमस्कार करने जा रहे थे। तो कुछ पंडितों ने कहा, अब देख लेना, आपके जो ये जैन गुरुजी हैं, ये आपके साथ जाएंगे नहीं। तो उन्होंने कहा, महाराज, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं, क्या आप भी चलेंगे? तो हेमचंद्र आचार्य ने कहा, जरूर चलेंगे। और मंदिर में पहुंचे और कहा, प्रभो, अब मैं महादेव की अर्चना कर रहा हूं, क्या आप भी करेंगे? तो उन्होंने कहा, हाँ जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, अवश्य करेंगे। और वे शिवलिंग के सामने खड़े हो गए और खड़े होकर के सहस्वर पाठ करने लगे। क्या पाठ करते हैं? भव बीजांकुर जनना रागाद्या क्षय मुपागता यश्य ब्रह्मार्वा विष्णोर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मयी नमस्तस्मयी। कि जो भी कोई व्यक्ति जिसने राग और द्वेष का क्षय कर दिया है, रागाद्या क्षय मुपागता यश्य, तो जिसने राग और द्वेष का क्षय कर दिया है, वह व्यक्ति जिसने क्या कर दिया है, भव बीजांकुर जनना, तो भव बीज रूपी अंकुर को पैदा करने वाले, यानी पुनर्भव पुनर्भव को पैदा करने वाले, उस बीज का ही नाश कर दिया है। और आप जानते हैं, दग्धे बीजे यथात्यंतम प्रादुर्भवति नांकुर है, तथा ही कर्म बीज दग्धे नारोहति भवांकुर है। तो जिसके कर्म रूपी बीज का
अंत हो गया है और उस पर आप कितना ही पानी डालो, कितनी ही खाद डालो, कितनी ही हवा डालो, लेकिन उनका कभी भी अंकुरण नहीं होगा। वह सीडलिंग हो जाएगी लेकिन उसका पल्लवन पुष्पन नहीं होगा, क्योंकि वह तो अत्यंत रूप से नष्ट हो गया है, जल गया है, दग दे बीजे। तो ठीक जिन्होंने भव रूपी अंकुर के बीज को नष्ट कर दिया है, वैसे ऐसे चाहे वह ब्रह्मा हो, चाहे वह विष्णु हो, चाहे वह हरिहर हो, सबको मैं नमस्कार करता हूं, क्योंकि वही मेरे लिए वितराग स्वरूप है। तो आप देखिए किस प्रकार आचार्य हेमचंद्र ने एक सुंदर व्यवस्था के तहत कितनी सुंदरता से, नहीं तो आज के जो झगड़े, आज के जो टीवी चैनल चलते हैं, ऐसा लगता है अंगारे बरसा रहे, ऐसे आपस में झगड़ते हैं, ऐसी तू तू मैं आर्ग्यूमेंट, लगता है टीवी चैनल नहीं हो गई, महाभारत खुद ही हो गया। तो ऐसी स्थिति में हेमचंद्र सा कोई माइंड चाहिए, ऐसी स्थिति में गांधी सा कोई प्रार्थना करने वाला चाहिए। जीना यही, मरना यही, रहना यही, तो यही तो धरती है जहां हिंदू भी रहेगा, ईसाई भी रहेगा, सिख भी रहेगा, जैन भी रहेगा, बौद्ध भी रहेगा। ये तो हमारे धर्म रूपी बगीचे की सुंदरता है। तो कर्म का बीज क्या है? कर्म के बीज है राग और द्वेष। आचार्य ने उत्तराधीन सूत्र को आधार बनाते हुए कहा, कम्मं च बीयम्, जो संसार रूपी भव भ्रमणा के दो ही बीज है, राग और द्वेष। जिसने राग द्वेष को तोड़ दिया है, ग्रंथि भेद कर दिया है, तो वो इस दुनिया में सबसे बड़े हैं। इसी श्लोक को आधार बना करके आचार्य सिद्धसेन दिवाकर ने एकात्मकता स्थापित की है। कोई किसी नाम से कह ले, कोई किसी नाम से पूजा जाए, लेकिन मूल वही है कि जिसके अंधकार का आवरण नष्ट हो गया है। दो प्रकार के कर्म हैं, आवारक कर्म और विकारक कर्म। आवारक कर्म है ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय, विकारक कर्म है मोहनीय। तो जिसके आवारक भी नष्ट हो गए, विकारक भी नष्ट हो गए, बहुत सारे लोग हैं वो नाना देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन कोई कठिनाई नहीं। आचार्य सिद्धसेन ने तो यहाँ ब्रह्मा विष्णु हरि हरा, यानी सब ठीक वैसा ही श्लोक हमें भक्तामर में भी मिलता है, लेकिन जैन दर्शन का जो वीतरागता का सिद्धांत है, ऐसा लगता है वीतराग यानी जिनका राग ही चला गया हो। बहुत कठिन बात है राग का चले जाना। द्वेष की बात हम सबको समझ में आ जाती है, लेकिन झीणी होती है राग की जो ग्रंथि। आप जानते हैं बिल्ली है वो उसी मुंह से बच्चों को उठा के रखती है, उसी मुंह से चूहे को दबोच लेती है, उसकी जीवन लीला खत्म हो जाती है। तो राग बहुत इंपॉर्टेंट है और राग आगे तक चलता है। प्रेम रज्जु दृढ़ बंधन माहु, ये भीतर का बंधन बहुत बड़ा बंधन है। जिसने राग द्वेष को जीता और सब जग जान लिया, ऐसे ही जो ब्रह्मा विष्णु महेश जो भी हुए, ऐसे उन सबको मेरा नमस्कार है, क्योंकि जिसने जग को जाना है यानी ज्ञानावरणीय का समूल नाश, दर्शनावरण का समूल नाश, और आवारक विकारक कर्म जो विकारक कर्म है मोहनीय का, यानी वह तो सेनापति है,
तो उसका भी नाश हो गया है। और ठीक वैसा ही एक स्तोत्र अयोग व्यवच्छेदिका जिसमें वीत दोष कलुष है, आचार्य हेमचंद्र ने यत्र तत्र समये यथा तथा योसि सो अश्याभिधया तया यया वीत दोष कलुष है सचेत भवान एक एव भगवान नमोस्तु। यानी आप देखिए कि जो जैन लॉजिक है उसमें प्रतिज्ञा भी है, हेतु भी है, दृष्टांत भी है, उपनय भी है और निगमन भी है। ये फाइव फोल्ड पांच अनुमान के अवयव माने जाते हैं। प्रतिज्ञा और हेतु ये दोनों विद्वानों के लिए है, दृष्टांत उपनय और निगमन ये साधारण व्यक्तियों के लिए है। जो प्रबुद्ध है, जो पर्याय की चर्चा करेंगे तो उन्हें समझाने के लिए उद्धरण भी चाहिए। और जैन और बौद्ध में छोटी छोटी कथाओं को आधार मान करके उस बात को समझाया जाता है। तो आचार्य सिद्धसेन भी एक दृष्टांत समझा रहे हैं कि शंख सफेद होता है। एक व्यक्ति जिसको काच कामली का रोग हो गया, दिखाई नहीं दिया, सब चीजें उसे पीली ही दिखाई देती है, तो कभी कभी उसके सारे रंग बदल जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब उसको कहा गया कि तुम क्या इस विशिष्ट सेवा को दे सकती हो, और उसने इस बात को स्वीकार किया कि मैं भी बहुत समय से बीमार रहकर और बीमारी से बाहर आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं किसी का हेल्प कर सकूं। तो बहुत सुंदर उदाहरण है वीत राग और वीत द्वेष, यानी द्वेष से ही रहित हो जाना और वीत राग की दिशा में आगे बढ़ते जाना। तो आज इस अवसर पर मैं यही कहना चाहूंगी कि समन्वय की नीति तभी काम आती है जब हमें पूरा ज्ञान हो जाता है, और जब ज्ञान हो जाता है तो व्यक्ति उससे सहयोग ले करके खड़ा हो सकता है। आगे की स्लाइड में त्वामेव वीततमसं परवादिनोऽपि नूनं विभो हरिहरा दधिया प्रपन्ना किं काच कामलिभीषसितोऽपि शङ्खो नो गृह्यते विविधवर्ण विपर्ययेन। ॐ अहम् ॐ अहम् Now you feel free if you have any question. बंदामी नमस्सामी। हाँ, ये काच कामली भी इसका मतलब पीलिया पीलिया जोंडिस पीलिया जोंडिस। और ये प्रपन्ना का अर्थ क्या होगा सुमनी जी? प्रपन्ना का अर्थ है कहना, देखना, बताना आदि। ओके। बहुत सारे लोग है ना, कमड़ो भी कहते हैं इसको, काच कामली को, यानी कमड़ो, कमड़ो यानी पीलियो। थैंक यू वंदन। और कोई क्वेश्चन है?